हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 50 पैसे की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहला, अगर हम इस स्टॉक में टेक्निकल चार्ट पर आए तो इस स्टॉक में पीछे के 1 हफ्ते में 2% से भी ऊपर की गिरावट देखने को मिली है और 1 महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 0.5% की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हैं, किसी स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया अराउंड 64 रुपये 90 पैसे। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहेगा और पीछे के 2 दिनों से इस स्टॉक में एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। अगर नीचे का देखें तो स्टॉक्स का एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 50 रुपये 30 पैसे। 50 रुपये 30 पैसे इस स्टॉक का नीचे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है तो इस स्टॉक में एक खरीदारी होती हुई नजर आएगी आपको। इस स्टॉक में देखें तो एक हाई बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 53 रुपये 85 पैसे। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक दबाव देखने को मिला और जहां पर देखें तो एक बीच में काफी बड़ी रेड कैंडल बनती हुई नजर आई, जहां पर काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अब इसी स्टॉक में निचले लेवल पर एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो नीचे का एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं अराउंड 50 रुपये का। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म टारगेट 52 रुपये और सेकेंड टारगेट 53 रुपये तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। इस स्टॉक में फिर इस ब्रेकआउट आपको 53 रुपये 80 पैसे के बाद ही देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक और बड़ी तेजी लगाता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।